इस सिंध के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सप्त सिंधु को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, मैं अगर मान लेता हूं कि सिंध को या सिंधु को अगर आप विद्या के साथ जोड़ेंगे तो उसमें आगे भी तो कब बोला गया है, क्या बोला गया है? गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्तर और बंगाल, ये क्यों इनको कहा किसके साथ जोड़ेंगे? इसलिए ये पाठ सरासर गलत है। तो हमें ये पाठ पढ़ाया गया, इसीलिए मैंने निवेदन किया कि हिंदुओं ने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। तो हिंदू लोग गाय किसको बेचते हैं? जो गाय को लेकर काटते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि हिंदुओं ने गाय बेचा कब? जब दूध देना बंद किया। तो गाय दूध देना बंद कर दिया तो माँ आपने किसको कहा? गाय को माता। फिर मैं याद दिला रहा हूं, एक जन्म देने वाली जननी को भी माँ कहा, एक गाय को आपने माँ कहा और एक धरती को आपने माँ कहा और एक गंगा को आपने माँ कहा और एक वेद को भी आपने माता, स्तुता माया वर्धा वेद माता, और परमात्मा को माता और पिता दोनों कहा जाता है। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, इसके एक अतिरिक्त कोई नाम माता कहीं किसी के पास नहीं है। इसलिए ये बच्चे का पिता कौन है वो केवल माँ ही जानती है और किसी को मालूम नहीं, पर दुनिया वालों ने आज इसी पर ही कुठाराघात किया हुआ है। चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी है सबने मिलकर के, क्योंकि बच्चे के पिता कौन है वो केवल माँ ही जानती है, इसीलिए भारत माँ आंख में उंगली डाल करके बतला रही है कि राम का जन्म इसी भारत में हुआ था। आज तो टेस्ट बुक से अभी पिछले दिन जब अर्जुन सिंह थे ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, अब तो कपिल सिब्बल को लिया गया, तो उन्होंने टेस्ट बुक से राम का, सीता का और हनुमान का नाम, तो उस समय हमारा एक आंदोलन है शिक्षा बचाओ आंदोलन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 22 दिन संसद का गिरा हुआ, उसमें मेरा वक्तव्य यही था। तो मैंने निवेदन किया कि सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। अच्छा बंधु, फिर मैं निवेदन ये कर रहा हूं, जो आपने गाय का दूध देना बंद हो जाने पर गाय को बेचा, तो माँ भी तो आपकी है, कौन? गाय, और जो जनने वाली है वो भी तो माँ है। तो माँ भी तो कई बार बच्चा देना बंद कर देती है, तो माँ को बेचते हैं क्या? ये हिंदुओं के कितने बड़े दुर्भाग्य, हिंदुओं ने सोचा नहीं कभी इस बात को। हो सकता है मेरे से, मेरे द्वारा कहना आप लोग को सही ना लगे, लेकिन मैं यथार्थ बोल रहा हूं, क्योंकि पक्षपात के लिए मेरे पास जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। मैं पक्षपात से बहुत दूर रहता हूं और सिद्धांत के खिलाफ नहीं बोलता हूं, सिद्धांत के खिलाफ भी मेरा काम सुनता नहीं है। इसलिए समग्र आर्य जगत में मैंने अपनी छवि बनाया है स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक के नाम से। तो मैंने निवेदन किया कि जब हम अपने माँ के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं करते, तुम गाय को भी माँ कहते, तुम गाय के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो? दोषी हम ही है, हमने ही बेचा है उस गाय को। इसलिए बंधु याद रखना, ऋषि दयानंद के शब्दों में, ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई लिखा है। कसाई कितने हैं? 8 है। क्या आप लोगों को बोलना है? वैसे 2-3 माइक और है, मैं इतना कंजूस भी नहीं हूं, एक दे सकता हूं किसी को बोलना हो। 8 को ऋषि ने कसाई लिखा है। कौन कौन? सबसे पहला जो गाय को बेचा उस गाय को खरीदा, जो अब उसको काटा, जो उस मांस को बेचा, जो उस मांस को खरीदा और उस मांस को जो पकाया, उस मांस को जो खाया, ये सब के सब कसाई है। वो मेरे दृष्टि में नहीं, ऋषि बैलन की दृष्टि में कसाई है। सबको कसाई कहा जाता है, ऋषि ने सबको कसाई लिखा है। और देखिए कसाई शब्द क्या है, कसाई शब्द उससे जुड़ा हुआ है कि जिसके शरीर में रहम नाम की कोई चीज ना हो। अरे बंधु बोलो तो सही, जुबान शुद्ध कर लो, ये आनंद और जगह मिलने वाला नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं सुना सकते।
बहुत जिसके दिल में कोई अरे गोरक्षा के लिए भारत भर में आंदोलन चला रहे हो लेकिन वो नहीं चला सकते, वो सब लोग मुझे याद करते हैं, महेंद्र पाल को ढूंढा जाए, जगह जगह सब बोला रहा पंडित जी कहाँ है आपको ढूंढ रहे हैं। अरे भैया मैं भी अपना कार्यक्रम में लगा फर्ज पे बनो तो आर्य समाज को देता हूं मैं। तो मैंने निवेदन किया कि ये जो तरीका है इस तरीका को अगर हम लोग सही ढंग से मान लें उस पर अमल करें तो हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने अपने आप में ही इस परेशानी को क्रिएट किया है, इन परेशानी को हमने अपने आप में ही मोड़ा है, हमने अपने आप में ही तैयार किया है, इसलिए उन लोगों को हम दोष देते हैं। लेकिन मंगलों के बल इतना नहीं, मैं फिर निवेदन करूंगा कि मांसाहारी केवल मुसलमान नहीं, मांसाहारी हिंदू भी है। नेपाल में 5 वर्ष में एक मेला लगता है जो नेपाल को हिंदू राज कहा जाता रहा, अब तक समग्र विश्व के आंगन में एक ही राज था नेपाल हिंदू राज, पर इन मुसलमानों के और कम्युनिस्टों के षड्यंत्र से वो भी राज अब सेकुलर बन गया है। तो वहां पर 5 वर्ष में एक मेला लगता है, गरी माई के मेला के नाम से जाना जाता है, मक्खी मच्छर और खटमल को छोड़ करके सब वहां पर बलि चढ़ाया जाता है। वहां कोई मुसलमान चलाने के लिए आ रहा है? मैं तो खास तौर से कलकत्ता शहर का रहने वाला हूं, भाई सत्य प्रकाश जी को बखूबी मालूम है, भाई जय प्रकाश जी को बखूबी मालूम है, और हमारे जितने पुराने मित्र मंडली हैं सबको बखूबी मालूम है। मैं बंगाल प्रांत का रहने वाला हूं, कलकत्ता शहर का रहने वाला हूं। मैं जब वहां बचपन में देखा सुना तो वहां तो यही हमें सुनने को मिलता था कि काली कलकत्ता वाली, और उस काली के मंदिर में मैं देखता था कि बकरे का बलि चढ़ाते हैं लोग, लेकिन जवान होकर के देखने लगा, आर्य समाज में आकर के भी वहां देखा कि अब वहां बकरा नहीं चढ़ाया जाता, भैंसा चढ़ाया जाता। भैंसा कहां चढ़ाया जा रहा है? तो बंदों का विचार करके फिर देखना के बकरा चढ़ाया जाता रहा, भैंसा चढ़ाया जा रहा है, वो कोई मुसलमान चला रहा है या कौन चला रहा है? हिंदू चला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू भी मांसाहार करता है। अरे हिंदू क्या मांसाहार करेगा, ओ हिंदू खान खोल करके सुन लो कि तुम्हारा सन्यासी भी गोमांस खाया, सन्यासी के गुरु गोमांस खाए, स्वामी विवेकानंद गोमांस खाया, और रामकृष्ण परमहंस देव ने भी गोमांस खाया। चुल्लू भर पानी में हिंदू को डूबाना चाहिए, जो गर्व से काम हिंदू है कह रहे हैं, काय का गर्व मैं नहीं समझ पाया। स्वामी विवेकानंद गोमांस खा रहे, विदेश में जाकर के जब गोमांस खा रहे वो खाते तो रहे यहां भी। किसी ने पत्र लिखा कि स्वामी जी सुनने में आया है कि आप गोमांस खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उसके जवाब में विवेकानंद ने लिखा कि अगर भारत के सनातनी हिंदू चाहते हैं कि मैं शुद्ध शाकाहारी सनातनी भोजन करूं, देखिए अब वहां ये सब भी स्पष्ट हो रहा है कि सनातनी भोजन ही शाकाहारी भोजन है, सनातनी भोजन में मांसाहार है नहीं, ये मान लेकर वही भी बड़े चल गए कि भारत के हिंदू अगर चाहते हैं शुद्ध शाकाहारी सनातनी भोजन मैं करूं, तो इन हिंदुओं को चाहिए कि पाचक भारत से भेजे और उसके वेतन दे भी वही भरे, वेतन मान भी वही भरे। ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। आप कहेंगे कहां कहां, मैं आपको पुस्तक का नाम बता देता हूं, स्वामी विद्यानंद जी, वो विद्यानंद विदेह नहीं, अभी पिछले दिन दीक्षित जी लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी का नाम था, पहले कई डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, बाद में उन्होंने संन्यास लिया, स्वामी विद्यानंद जी नाम पड़ा, और मॉडल टाउन में रहते रहे, और उन्होंने किसी